नमस्कार, मैं हूं यास्मी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स हैं। इन स्टार्स के आगे अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने एक बार सलमान और शाहरुख की सबके सामने जमकर क्लास लगाई थी। बात तब की है जब शाहरुख और सलमान ने साथ में फिल्म करण अर्जुन में काम किया था। दरअसल सोशल मीडिया पर सलमान के शो बिग बॉस का एक पुराना वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख और काजोल अपनी फिल्म दिलवाले का प्रमोशन करने पहुंचे थे। इस दौरान शाहरुख ने बताया कि ममता ने सबके सामने हम दोनों की डांट लगा दी थी। शाहरुख ने बताया कि मैंने और सलमान ने फिल्म करण अर्जुन साथ में की थी। फिल्म में ममता कुलकर्णी और काजोल एक्ट्रेस थी। फिल्म में एक गाना था भंगड़ा पाले। मुझे लगता है कि शायद ही किसी ने मुझे और सलमान को कभी डांटा होगा। ममता के साथ हमारा डांस था और वो आगे डांस कर रही थी। स्टेप हुआ, डायरेक्टर ने कहा ओके, मैं और सलमान पीछे चले गए, लेकिन ममता को ये ओके नहीं लगा। उन्हें लगा कि हमारी स्टेप्स बड़ी खराब है, उन्हें लगा कि हमने गाना खराब कर दिया। मैं और सलमान खड़े थे, तभी ममता ने हमें इशारा देकर बुलाया। पहले तो सलमान और मैंने इधर उधर देखा, हमने सोचा हमको थोड़ी ना बुला रही होगी। सलमान बोला कि वो मुझे नहीं तुझे बुला रही है। मैं भी चला गया उनके पास। उन्होंने मुझसे कहा देखो रिहर्सल करके आया करो, क्योंकि मैं स्टेप्स ठीक कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग बहुत खराब कर रहे हो। हमारी बड़ी बेइज्जती हुई। इसके बाद हमने चीटिंग की। हम रोज रात से लेकर सुबह 5 बजे तक उतनी ही रिहर्सल करते थे जितनी शूटिंग होती थी। इसके बाद हमने सही स्टेप किया। आपको बता दें कि साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म करण अर्जुन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म में सलमान और शाहरुख के साथ काजोल और ममता कुलकर्णी ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। फिल्म को राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था।